हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। सो गाइज, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम ऑन इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका। याद रखिएगा कि अगर आप अंग्रेजी में सच में बातचीत करना चाहते हैं तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि इन शब्दों के बगैर, इन कंजंक्शंस के बगैर तो आप अंग्रेजी बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है भाई कि आप बोल पाएं अंग्रेजी को, ठीक है। ये छोटे छोटे शब्द तो हैं लेकिन जब तक आप इनका यूज़ नहीं करेंगे आपकी अंग्रेजी पूरी नहीं हो पाएगी। तो अंग्रेजी पूरा करना है तो इन सभी का हिंदी मीनिंग याद कर डालिए और अब आप इसे अपने इंग्लिश में लगाएं, आसानी से आपका अंग्रेजी कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सिंपल है लेकिन ये बहुत ही टफ है। टफ इसलिए होता है कि इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए आप इन्हें याद ज़रूर करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक लंबा सामने अर्थ लिखा हुआ आर का मतलब या होता है अथवा होता है, नहीं तो की और ना, तो मतलब आर का इतना मतलब होता है। जब भी कभी आप कोई सेंटेंस बोलते हैं उसमें अथवा, नहीं तो, या की और ना, या बोलना हो गया तो आखिर आप क्या यूज करेंगे, तो जान जाइए कि सिर्फ और सिर्फ आर यूज करने से ये सारे मीनिंग निकल सकते हैं। इस तरह से आप अपनी अंग्रेजी को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट आपका चार्ट है। अभी मैं आपको दो चार्ट और दिखा रहा हूँ, उसको भी ज़रूर याद करें। ये आपके लिए अंग्रेजी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है और आप गहराई तक, कहने का मतलब प्रत्येक शब्दों का अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो इसे आप ज़रूर याद करें। ऑलराइट, नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। ये आपका गाइस नेक्स्ट चार्ट है। ये भी देख लीजिए कितना सिंपल सिंपल है, लेकिन जान लीजिए कि ऐसे हिंदी, जैसे मान लीजिए मानो की या बारे में या जितना के रूप में, यद्यपि या तथापि, फिर भी, इन सब की अंग्रेजी क्या होती है। ये सारे के सारे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू या फिर अकॉर्डिंग एज के अनुसार, आफ्टर मतलब के बाद, एज सून, एज का मतलब ज्यों ही या डॉट डॉट त्यों ही, कहने का मतलब जैसे ज्यों ही और डॉट डॉट त्यों ही लिखा है ना, तो इसका मतलब ये डॉट डॉट जो बना हुआ है इसके बीच में कुछ और भी हिंदी के शब्द रहेंगे, कहीं भी आपको ऐसा मिले तो इसको आपको इस तरह से समझना। ऑलराइट, तो गाइस ये आप सिंपली सबको याद करें तभी जा करके आप पूरी अंग्रेजी बोल पाएंगे भाई। अदरवाइज सिंपली व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम तो सभी लोग जानते हैं, राइट ना। नेक्स्ट चार्ट आप एक और देख लीजिए। ये आपका आखिरी चार्ट है, आप इसे भी ध्यान से देख लीजिए। सो दैट, जैसे सो दैट लिखा है बीच में डॉट डॉट है ना, या इतना डॉट डॉट की लिखा है ना, तो इसका मतलब ये डॉट डॉट के बीच में कुछ और भी रहेगा, उसे आप हिंदी जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कैसे होगा, ठीक है। तो इन सभी को आप याद कर डालो गाइस, तब जाके आप अंग्रेजी अच्छे ढंग से और बराबर बोल पाएंगे, फ्लुएंट इंग्लिश, कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए तभी पॉसिबल है, याद नहीं होगा तो आप जगह जगह जो है अंग्रेजी बोलने में अटकेंगे। तो इनको याद करने के बाद में आप आसानी से इंग्लिश को बोल सकते हैं। और याद रखें कि कंटिन्यू बने रहें, हम आपको इस चैनल पर तरह तरह की जानकारी लाते रहेंगे ताकि आप आसानी से सब कुछ सीख सकें। और हाँ, हम आपको ये भी बताते रहेंगे तरह तरह की किताबों के बारे में जिसके द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप चाहें तो आप किताबों को भी खरीद करके घर पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, साथ में ऑनलाइन तो आप करते रहेंगे, राइट। तो अभी तक कंटिन्यू नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू हो जाएं, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो, खास वीडियो जिसके द्वारा आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, याद रखें, ग्रामर की अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रामर के चैनल का लिंक है, उस पर हम आपके लिए कंपटीशन से क्लास तक, मतलब क्लास से कंपटीशन तक की नॉलेज देते हैं, उसे आप पढ़ें ताकि आपकी ग्रामर भी आसानी से मजबूत हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।